हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह तुहानू पता है कि असी फोर्थ चैप्टर डिमेंशन एनालिसिस फर्स्ट यूनिट का कर रहे हैं। सो नैक्सट अपने को थर्ड यूज स्टूडेंट्स, थर्ड अपने को है चेंज फ्रॉम, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे विच भी चेंज करन दे विच ए हानू मदद करदा आ डिमेंशन एनालिसिस दा मेथड। ठीक है, तो सपोज कर लो भी कोई भी अपने को फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी हैगी आ उहनू आपां एक्स दे नाल जे रिप्रेजेंट कर दिंदे आ ते वो फिजिकल क्वांटिटी आपां किस तरह लिखदे आ उहदी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू नाल यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज कर लो आपां मास ही लिखना होवे, मास आपां एम नाल रिप्रेजेंट करदे आ किहदे बराबर हुंदा, आपां कह लैने भी 5 किलोग्राम दे मास बराबर आ। ठीक है, 5 ओह की हो गई इहदी न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम की हो गए यूनिट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण इह ते अपने को एक तरह के यूनिट्स दे विच ही अपने को मास की वैल्यू 5 किलोग्राम। जे आपां इहनू सीजीएस सिस्टम दे विच लईए ते सीजीएस सिस्टम विच आ अपने को 1 किलोग्राम दे विच 1000 ग्राम हुंदे आ ते इह की बन गया अपने को 5000 ग्राम बन गया। ठीक है, समझ लग गई। इहदा मतलब अपने को फिजिकल क्वांटिटी एक्स नूं आपां किस तरह लिख सकदे आ, भी सपोज कर लो भी एन वन जिहड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई ते यू वन उहदे यूनिट हो गए। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट विच, दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट विच उहदी न्यूमेरिकल वैल्यू किन्नी आ गई एन टू, ते यूनिट किहड़े आ गए यू टू। ठीक है, सो न्यूमेरिकल वैल्यू जिहड़ी आ पहले विच सपोज कर लो जिस तरह आपां मास लिया सी 5 किलोग्राम, इत्थे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 आ ते यूनिट की आ किलोग्राम। ठीक है, सो एन वन की हो गया 5 ते यूनिट किहड़े हो गए किलोग्राम। इसे तरह अपने को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट विच न्यूमेरिकल वैल्यू किन्नी आ गई एन टू जिहड़ी आ 5000 ते यू टू दूजे यूनिट हो गए किहड़े ग्राम। ठीक है, सो इको फिजिकल क्वांटिटी नूं आपां वक्रे वक्रे सिस्टम दे विच जदों लिखांगे ते एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू दे बराबर आऊगा। कहण दा मतलब कि 5 किलोग्राम जिहड़ा उह 5000 ग्राम दे बराबर ही होगा, इस करके एन वन यू वन किहदे बराबर होगा एन टू यू टू दे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एन वन ते यू वन, हुण यू वन अपने को कोई जिहड़े यूनिट्स होणगे किसे फिजिकल क्वांटिटी दे, इहदा मतलब उहदी आपां डिमेंशनल फार्मूला जिहड़ा किस तरह लिखांगे, यू वन दा एम वन दी पावर ए डिमेंशन आ गई नाल दी, एल वन दी डिमेंशन आ गई बी। ठीक है, ते टी वन दी डिमेंशन आ गई सी। ओके, इज इक्वल टू एन टू जिहड़ी आ अपने को दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट विच न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई इन टू नाल यूनिट की होणगे उहदे, देखो यूनिट दी जिहड़ी आ अपने को एम टू उहदी पावर ए ही रहनी आ, एल टू जिहड़ा अपने को इहदी पावर बी ही रहनी आ, ते टी टू जिहड़ा आ उहदी पावर सी ही रहनी। ठीक है, पावर्स जिहड़ियां की आ डिमेंशनस जिहड़ियां आ उह सेम ही होणगियां। ठीक है, बस अपने को सिस्टम ऑफ यूनिट जिहड़े की आ उह चेंज हो जाने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इत्थों जे आपां एन टू दी वैल्यू कढ़नी होवे दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे विच न्यूमेरिकल वैल्यू कढ़नी होवे ते किस तरह कढ़ांगे, एन वन इन टू ए अपने को एम वन ए एल वन बी टी वन सी डिवाइडेड बाय की आ जूगा एम टू ए एल टू बी ते टी टू सी आ गया। और इहनू आपां किस तरह लिख लांगे, एन वन इंटू एम वन ओवर एम टू इहदी पावर जिहड़ी आ टोटल उह किन्नी आजूगी ए। इसे तरह अपने को एल वन ओवर एल टू इहदी पावर जिहड़ी आ किन्नी लै लांगे बी। इसे तरह साडे को
टी वन ओवर टी टू एदी पावर जिहड़ी आ किन्नी आ जाऊगी सी। ठीक है किहदे बराबर एन टू दे बराबर। सो ए अपने को एक फार्मूला आ गया भी अपने को फिजिकल क्वांटिटी दी दूजे सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे विच नमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करांगे वो अही इस फार्मूले दे नाल आपां वैल्यू जिहड़ी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स समझ लग गई। सो इहदे नाल दा आपां जिहड़ा एक नमेरिकल करांगे अगे। सो नैक्सट अपने को देखो स्टूडेंट्स नमेरिकल अगे हैगा अपने को प्रूव दैट वन जाउल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। स्टूडेंट्स पहला आपां नूं पता होना चाहिदा है कि ये जाउल जिहड़े किहदे यूनिट आ, जाउल जिहड़े आ डैट इज द यूनिट ऑफ वर्क और ये कादे विच आ इन एस आई सिस्टम दे विच। इसे तरह जिहड़े अर्ग आ ये भी अपने को वर्क दे यूनिट आ पर ये कादे विच किहड़े सिस्टम विच आ वर्क इन सी जी एस सिस्टम दे विच जिहड़े वर्क दे यूनिट ये होंदे आ। ठीक है अर्ग जिहड़े वर्क दे यूनिट। हुण देखो एस आई सिस्टम दे विच अपने को मास जिहड़ा आ दैट इज आपां किलोग्राम दे विच मेजर करदे आ। ठीक है लेंथ जिहड़ा आ उहनूं मीटर दे विच मेजर करदे आ ते टाइम नूं जिहड़ा की आ उह सैकेंड दे विच मेजर करदे आ। ठीक है सो इत्थे अपने को नमेरिकल वैल्यू जिहड़ी आ उह किन्नी आ रही आ एक दे बराबर आ रही। नमेरिकल वैल्यू भी एन वन वो आप एक दे बराबर लवेंगे। सो ये भी सारिया चीजा जिहड़ियां एक एक दे बराबर ही होणगियां मास लेंथ टाइम। ठीक है सो मास एक किलोग्राम लेंथ एक मीटर टाइम एक सैकेंड ते एन वन की वैल्यू भी जिहड़ी वन नमेरिकल वैल्यू भी वन दे बराबर होगी। दूसरा अपने को सी जी एस सिस्टम दे विच हुण देखो मास जिहड़ा की अपने को एम टू दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया एम टू इनू आपां कंसिडर करांगे ये ग्राम दे विच। ठीक है इसे तरह लेंथ जिहड़ी आ उह सेंटीमीटर दे विच आ गई ते टाइम जिहड़ा आ उह कादे विच आ गया सैकेंड दे विच ते एन टू आपां कैलकुलेट करनी आ। उहने कहा भी इह प्रूव करो 10^7 अर्ग दे बराबर हुंदी। ठीक है स्टूडेंट्स ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਐਨ ਟੂ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ ਐਨ ਵਨ ਇਨ ਟੂ ਐਮ ਵਨ ਓਵਰ ਐਮ ਟੂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਲ ਵਨ ਓਵਰ ਐਲ ਟੂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਵਨ ਓਵਰ ਟੀ ਟੂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਨ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੋ ਵਰਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਮ ਵਨ ਐਲ ਟੂ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਟੂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਵਨ ਲੈਂਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਟੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਨ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਨ ਆ ਐਮ ਵਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਟਾ ਐਮ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵਨ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਲ ਵਨ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਐਲ ਟੂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਟੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਟੀ ਵਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟੀ ਟੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ।
इसे तरह मीटर जिहड़ा 100 सेंटीमीटर दे बराबर हुंदा डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर आ गया इहदी पावर किन्नी आ 2 सो 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड इहदी पावर अपने को माइनस 2 आ ठीक है ये 1 सेकंड ओवर 1 सेकंड जिहड़े कटे जाने आ सो ये 1 ही आ जाणा है ठीक है 1 दी पावर माइनस 2 भी होवे ओह भी 1 दे बराबर ही हुंदी आ ठीक है स्टूडेंट्स सो ये किहदे बराबर आ जाऊगा 1000 ਇਹਦੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 1000 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਐ n2 1000 ਇਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਇਧਰੋਂ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਟੂ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਟੂ ਦੀ ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ 4 ए आ गई 10 टू रेस पावर 4 ते आ 3 4 ते 3 किन्ने हो गए 10 टू द रेस पावर 7 एदा मतलब n2 जड़ी हाडे को किदे बराबर आ जुगी 10 टू द रेस पावर 7 दे बराबर ओके स्टूडेंट्स ओ इथों क्लियर हो गया कि अपने को 1 जूल n1 u1 किदे बराबर होगा n2 किन्ना आ गया 10 टू रेस पावर 7 इनटू नाल u2 केड़ा आ अर्ग ठीक है ये अपने को नेक्स्ट की आ जाऊगा अर्ग सो इस तरह आप जिहड़ा वो दस सकते हैं एक यूनिट तो दूजे यूनिट दे विच जिहड़ा मतलब कन्वर्शन जिहड़ी हो सकती है ठीक है एक सिस्टम ऑफ यूनिट तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच कन्वर्ट करन दे लई आपां इस मैथड का इस्तेमाल करते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने को सैकेंड नुमेरिकल If the value of Planck's constant in Nernst psi is 6.62 into 10 to raise power minus 34 joule second, what will be its value in CGS system? So Planck's constant the value SI system which hanu ditti hoyi aa numerical value kinni aa n1 is equal to 6.62 into 10 to raise power minus 34 theek hai ye numerical value aa gayi SI सिस्टम ਵਿੱਚ ਆ ਤੋ SI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸ m1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ l1 ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ t1 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ SI ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ n2 ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CGS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ग्राम्स विच लेंथ उन्नू आपां सेंटीमीटर विच ते टाइम नू आपां सेकंड दे विच मेजर करते हैं ठीक है CGS सिस्टम विच सो एक सिस्टम तो दूजे सिस्टम विच कन्वर्ट करन दे लई साडे को फार्मूला हैगा n2 इज इक्वल टू n1 इनटू m1 ओवर m2 एदी पावर a L1 ओवर L2 दी पावर B ते T1 ओवर T2 दी पावर किन्नी होगी C ठीक है स्टूडेंट्स हुण A B C आपां पावर्स किस तरह फाइंड आउट करांगे वेखांगे प्लैंक्स कांस्टेंट दीआं डायमेंशनस की है सो यूनिट्स तो आपां नूं जिहड़ियां उहदीआं डायमेंशनस पता लग जाणगीआं जाउल सैकिंड आ जाउल जिहड़े ओह वर्क डन दे यूनिट होंगे इस करके डायमेंशनस वर्क डन दियां आउणगियां m1 l2 t-2 नाल सैकेंड है साडे को इस करके टाइम t1 आ जाऊ सो ये डायमेंशनस की बन जाणगियां m1 l2 ते t-1 आ जाऊ इथों अपने को a b c दियां वैल्यूज पता लग गईयां a दी वैल्यू 1 b दी वैल्यू 2 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n2 ਦੇ n1 ਕਿੰਨੀ ਸੀ 6.62 ਇਨਟੂ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਰ -34 ਠੀਕ ਹੈ m1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਗ੍ਰਾਮ m2 ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਨੀਆ 1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ L1 ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ L2 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
और यदि पावर बी सी वो किन्नी बी दी वैल्यू टू। इसे तरह हाडे को टी वन ओवर टी टू आ, टी वन आपां एक सैकेंड ले आया ठीक है, सो ये आपां की ले लांगे टी वन इथे आपां एक सैकेंड डिवाइडेड बाय टी टू भी एक सैकेंड, और यदि पावर जिहड़ी किन्नी आ सी सी दी वैल्यू किन्नी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को वैल्यू आ जाऊगी 6.62 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 34 किलोग्राम च किन्ने ग्राम हुंदे आ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर च सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पावर किन्नी आ गई 2। तो सैकेंड दे नाल सैकेंड कटा जांदा पावर माइनस वन है, वन दी पावर माइनस वन होवे उहने वन ही रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, नैक्सट हाडे को की आ जाऊगा 6.62 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 34 इंटू 1000 ग्राम है, ग्राम ते ग्राम ना कैंसल हो गया इंटू 1000 आ गया ठीक है, इंटू 100 दी पावर 2 आए थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ना कैंसल हो गया, 100 दी पावर 2 दा मतलब 10 टू दी रेज पावर 4 आ गई। सो इट मीन्स आ 3 आ 10 टू द रेज पावर 3, 10 टू रेज पावर 4 किन्नी होगी 10 टू द रेज पावर 7। सो प्लस दी 7 दी आ गई है, 10 टू रेज पावर 7 आ जाऊगा, जितना देख ही लो ए 10 टू रेज पावर माइनस 34 ते नाल 10 टू रेज पावर 7 आ जाऊगी, ये कितना बन जाऊगा 6.62 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 27। ठीक है एन टू की ए वैल्यू आ गई, इहदा मतलब प्लैंक्स कॉन्सटेंट की वैल्यू एच प्लैंक्स कॉन्सटेंट हुंदा इहदी वैल्यू किन्नी आ जाऊगी 6.62 इंटू 10 टू रेस वन माइनस 27 अर्ग सैकेंड। ठीक है सो सी जी एस सिस्टम के अपने को कदे वेच मैजर करते हैं अर्ग दे वेच वर्क नू मैजर करते हैं ते नाल अपने को सैकेंड आ गया। ठीक है अर्ग सैकेंड इन्नी वैल्यू आ जाऊगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नैक्सट स्टूडेंट साढ़े को थर्ड नुमेरिकल द वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 980 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर। सो सी जी एस सिस्टम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है 980 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर, वट विल बी इट्स वैल्यू इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड दैट ऑफ टाइम इज मिनट। ठीक है हूँ देखो एन वन की वैल्यू आपां नूं 980 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर दिती है, सो इह सी जी एस सिस्टम विच आ, इहदे विच एम वन मास जिहड़ा ओह आपां ग्राम्स विच मैजर करदे हां, लेंथ नूं सेंटीमीटर विच मैजर करदे हां ते टाइम नूं टी वन जिहड़ा ओह कादे विच मैजर करदे हां सैकेंड विच, इह सी जी एस सिस्टम विच। ठीक है हुण एन टू आपां वैल्यू कैलकुलेट करनी आ दूजे सिस्टम दे विच जिहदे विच मास नूं आपां किलोग्राम दे विच मैजर करना, इहदे बारे ते चलो सानूं दस्सिया ही नहीं ना। ठीक है आ लेंथ देखो, लेंथ एल टू जिहड़ी आ किलोमीटर दे विच, एक किलोमीटर विच, ते टाइम टी टू आपां इहदे विच की लैणा आ मिनट दे विच, सो वन मिनट इहदे जिहड़े यूनिट आ गए। ठीक है दूजी तरह के सिस्टम विच, ठीक है सो सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ओही लगना अपने को एन टू दैट इज इक्वल टू एन वन इंटू एम वन ओवर एम टू पावर एदी ए, एल वन ओवर एल टू पावर एदी बी, टी वन ओवर टी टू एदी पावर किन्नी सी। हुण आपां ए बी सी देखणियां आ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू देखो सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर विच, इहदा मतलब सेंटीमीटर दीआं डिमेंशन आ गईआं लेंथ एल वन ते टाइम सैकेंड विच हो गया टी दी पावर माइनस टू। ठीक है इहदा मतलब इत्थों आपणे को एम ते हुण है नहीं आ जीरो आ, ए दी वैल्यू जीरो होगी, बी दी वैल्यू वन होगी ते सी दी वैल्यू किन्नी होगी माइनस टू। इथे आपां हुण भर दांगे वैल्यूज, अपने को एन टू किन्नी आ जाऊगी एन वन 980, एम वन जिहड़ा
ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਮ ਟੂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੂ ਐਲ ਵਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲ ਟੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵਨ ਇੰਟੂ ਟੀ ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀ ਟੂ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਸੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ 980 ਇੰਟੂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਟਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਾਵਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਇੰਟੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 1/60 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 1/60 ਮਿੰਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2 ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੂਗਾ 980 ਇੰਟੂ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਹੀ ਆ ਜੂਗਾ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 5 ਹੀ ਆ ਜੂਗਾ ਇੰਟੂ 1/60 1/60 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ -2 1/60 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 60 ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 1/60 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਬਟਾ 60 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਤੇ 1 ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 60 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 60 ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 980 ਇੰਟੂ 10 ਟੂ ਰੇਸ ਪਾਵਰ -5 ਇੰਟੂ ਆ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 1/60 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 60 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3600 ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 98 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3528 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੇ 0 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇਧਰੋਂ ਬਣ ਗਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਬਚ ਗਈ ਔਰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਜੂਗਾ 35.28 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆਜੂਗੀ N2 ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 35.28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਸਕੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੈਲਿਊ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और की दी वैल्यू नहीं डिटरमिन करता और डायमेंशन लैस रेशियो, डायमेंशन लैस रेशियो और प्योर नंबर्स। तो जिन्ना अपने को फिजिकल क्वांटिटीज दी कोई डायमेंशन नहीं हुंदी, ठीक है, उन्हां दे बारे ये बिल्कुल कुछ नहीं दसदा, ठीक है। तो उन्हां दीआं वैल्यूज नूं वी जिहड़ा ये डिटरमिन नहीं करता, ठीक है। इस करके ये जिहड़ा मैथड फेल हो जाता है। इत्थे सैकेंड लिमिटेशन इहदी की आ गई, इट कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस सच एज, किस तरह के रिलेशंस, फॉर एग्जाम्पल अपने को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है। सो ए दे वेच अपने को ये कंपोजिट रिलेशंस इन्हों आप कहने जिदे वेच दो तो वध टर्म्स जिहड़ियां इनवॉल्व हो जांदियां आ, उत्थे जिहड़ा ये मैथड, मतलब के इस मैथड वास्ते बहुत औखा हो जांदा इस रिलेशन नूं जिहड़ा डिराइव करना, ठीक है। तो जे सपोज कर लो भी आपां पार्ट्स दे विच इहनूं आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दी कोशिश भी करदे आ, ठीक है, रिलेशन जिहड़ा डिराइव करन दी कोशिश भी करदे आ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ, It cannot derive the relation, it cannot derive the relation in case where trigonometric or exponential functions are involved। जिथे अपने को relations दे वेच trigonometric functions जा exponential functions जड़े involved हो जान्दे आ, उन्ना cases दे वेच भी ये dimension analysis दा method वो fail हो जान्दा आ, ठीक है, वो रिलेशन जिहड़े आ डिराइव नहीं कर सकता, ठीक है। ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज जिहड़ियां हुंदियां आ वह एक तरह दियां रेशियोज ही हुंदियां आ, मतलब कॉन्सटेंट हुंदियां आ, उन्हां दे कोई यूनिट नहीं हुंदे, सो उन्हां बारे जिहड़ा ये डायमेंशन एनालिसिस दा मैथड फेल हो जांदा आ, ठीक है। इसे तरह ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुंदे आ, इन्हां बारे भी जिहड़ा ये डायमेंशन एनालिसिस दा मैथड आ वह दसदा नहीं आ। इस करके ये जिहड़े आ रिलेशन दे विच आपां डिराइव इन्हां नूं नहीं कर सकते, ठीक है। सो नैक्सट अपने को फोर्थ जिहड़ी लिमिटेशन, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप when the physical quantity depends upon more than three physical quantities। जदों भी आप कोई रिलेशन डिराइव करते हैं, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो आप कहने भी दूजिया फिजिकल क्वांटिटीज के उत्ते डिपेंड करती है, जे अपने को एक फिजिकल क्वांटिटी जी तीन नालों
वध जिहड़ी आ ठीक है ये तीन नालों वध फिजिकल क्वांटिटीज दे उत्ते डिपेंड करदी आ ठीक है ते फिर उस केस दे विच ये मैथड जिहड़ा फेल हो जाता है जो चौथी फिजिकल क्वांटिटी उत्ते भी डिपेंड करन लग पैंदी अगे ठीक है फिर ये जिहड़ा डिमेंशन एनालिसिस दा मैथड आ उत्ते फेल हो जाता है ठीक है। सो तीन फिजिकल क्वांटिटीज तक ही जिहड़ी कोई फिजिकल एक क्वांटिटी वो डिपेंड करदी आ ते अपने को फिर ही आपां रिलेशन डिराइव कर सकते हैं जो अपने को तीन तो ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज दे उत्ते एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करदी आ ठीक है ते फिर ये अपने को मैथड जिहड़ा फेल हो जाता है आपां रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते इस मैथड दे नाल ठीक है। स्टूडेंट्स समझ लग गई कि नहीं। तो तीन केसिस जो बनते आ अपने को उदो मतलब के तीन अपने को फिजिकल क्वांटिटीज दे हिसाब दे नाल तीन अपने को इक्वेशंस बनदियां आ ते तीन इक्वेशंस जिहड़ियां आ तीन वेरिएबल्स नूं सॉल्व करन दे लई जिहड़ियां वो जरूरी हुंदियां आ ठीक है। नैक्सट अगे आओ फिफ्थ जिहड़ी आ सम फिजिकल क्वांटिटीज सम फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स। कई फिजिकल क्वांटिटीज एहो जिहियां हुंदियां आ जिन्हां दे यूनिट्स की हुंदे आ सेम हुंदे आ और जे यूनिट्स सेम आ इट मीनस उन्हां दियां डायमेंशनस भी की होणगियां सेम होणगियां ठीक है। सो सेम यूनिट्स सेम डायमेंशनस जिन्हां दियां होणगियां उन्हां वास्ते भी ये मैथड जिहड़ा आ डिफिकल्ट हो जांदा आ आपां नूं जज करना भी इत्थे फिजिकल क्वांटिटी है किहड़ी सी ठीक है। हुण जिस तरह सपोज कर लो भी अपने को एक मोमेंटम आ ठीक है मोमेंटम ते एक इंपल्स आ ये दो फिजिकल क्वांटिटीज एहो जिहियां आ इन्हां दोवां दे डायमेंशनस जिहड़ियां आ उह किन्नियां हुंदियां एम वन एल वन ते टी माइनस वन दोनों दियां डायमेंशनस जिहड़ियां की आ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हैगा ठीक है। सो इहदे नाल आपां जिहड़ा कि जजमेंट नहीं कर सकते भी ये डायमेंशन दियां अपने को फिजिकल क्वांटिटी है किहड़ी आ मोमेंटम आ कि इंपल्स आ ठीक है। इसे तरह अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ते प्रेशर भी हैगे आ ठीक है वह भी दोवें फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो जांदियां उन्हां दियां डायमेंशनस जिहड़ियां सेम हो जांदियां आ ठीक है। सो इस करके जिहड़ा कि कुछ इहो जिहियां फिजिकल क्वांटिटीज हुंदियां आ जिन्हां दियां डायमेंशनस जिहड़ियां सेम होण करके आपां अंदाजा नहीं लगा सकदे उत्थे ये अपने को डायमेंशन एनालिसिस दा मैथड फेल हो जांदा आ ठीक है। स्टूडेंट्स अगे नैक्सट आओ सिक्स्थ लिमिटेशन लास्ट लिमिटेशन जिहड़ी है ठीक है। जे अपने को फिजिकल क्वांटिटी आपां कहिंदे आ भी दूजियां फिजिकल क्वांटिटीज दे उत्ते डिपेंड जदों करदी आ जे आपां नूं इहो ही गलत आपां अनुमान लगा लईए भी एक फिजिकल क्वांटिटी इस दूजी फिजिकल क्वांटिटी उत्ते डिपेंड करदी आ कि नहीं ठीक है। जे साडे को इहो गलत अनुमान लग जावे ते फिर सारा रिलेशन की हो जांदा गलत हो जाता सारा ही रिजल्ट हाडे को इनकोरैक्ट आ जाता है ठीक है। तो छेवीं अपने को की आ गई इफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच द गिवन फिजिकल क्वांटिटी depends is not chosen rightly ठीक है correctly जिहड़ा कि आपां choose नहीं कीता भी कदे उत्ते depend करदी है then it leads to incorrect result ठीक है। फिर रिजल्ट की आऊगा इनकोरैक्ट गलत आऊगा रिजल्ट ठीक है। जो आपां पता ही नहीं भी केड़ी फिजिकल क्वांटिटी दूजी फिजिकल क्वांटिटी दे उत्ते डिपेंड करदी आ जे आपां चूज ही सही तरह नहीं कर सके तो फिर रिजल्ट की आऊगा साडे को गलत आऊगा ठीक है। ओके स्टूडेंट्स
मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये अज दा टॉपिक जरूर समझ लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।